हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानकारियां लेके आया हूं, जहां ढेर सारी जॉब्स हैं आप लोगों के लिए। और जो भी मेरे दोस्त टीचिंग लाइन, नॉन टीचिंग लाइन, क्लैरिकल, प्लस टू और हर तरह की यहाँ पे जॉब्स हैं इन स्कूल्स में, ये जो मैं ग्रुप आप लोगों को आज बताने वाला हूँ जिसके बारे में, तो फ्रेंड्स आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जॉब्स के बारे में एकदम से आप जैसे मेल कर देते हो, क्लिक कर देते हो, तो एकदम से वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि ये जो स्कूल्स हैं ये एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनका फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, जीडी गोयनका, ये एक बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में, जहाँ पे हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। और ये आप देख सकते हैं इनकी कितनी सारी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ पे धनबाद, सुल्तानपुर, सीतापुर, बारामूला, श्रीनगर में है, उसके अलावा बहुत सारी, कोलकाता में इनके स्कूल्स हैं, वाराणसी में, उन्नाव, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, फरीदाबाद, जबलपुर, उसके हैदराबाद, इसके अलावा देखो अखनूर, यहाँ पे अभी ओपन होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे इनके स्कूल्स हैं, जैसे न्यू दिल्ली, एनसीआर, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इनके स्कूल अभी चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इसी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानकारियां लेके आया हूँ, जहाँ पे ढेर सारी जॉब्स आप लोगों के लिए निकली हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों की जो सैलरी है वो बहुत शानदार है, अकोमोडेशन साथ में मिलेगी आपको, एजुकेशन बच्चों की फ्री है, और साथ में खाना यहाँ पे फ्री मिलता है, ज्यादातर में खाना फ्री मिलता है, अदरवाइज आप लोगों को उसमें कुछ ना कुछ जो है पैसे मिल जाते हैं, अच्छी सैलरी मिल जाती है, कंपेंसेट हो जाता है वहाँ सारा का सारा। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं, तो उसमें सबसे पहले हम देखिए जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल धर्मशाला। धर्मशाला में ये स्कूल है जहां पे काफ़ी ज़्यादा इस बार वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो हम वैकेंसीज को एक एक करके यहां पे डिस्कस करेंगे। जीडी, और इसके अलावा दो और स्कूल हैं मेरे पास, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल धर्मशाला इन्वाइट एप्लीकेशन फ्रॉम दी एप्लीकेंट्स फॉर दी अंडर मैंशनड पोजिशंस फ्रॉम दी डिजर्विंग एंड डायनेमिक एप्लीकेंट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। फर्दर मोर, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव डिजायर टू एक्सेल इन एन अकेडमिक एनवायरमेंट विच इज चैलेंजिंग, वाइब्रेंट एंड वर्ल्ड क्लास। देखिए, सबसे पहली बात तो ये वर्ल्ड क्लास लेवल का स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड ये स्कूल्स करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की सैलरी भी उसी तरह की अच्छी सैलरी होगी। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि मैं फ्रेशर हूँ या एक्सपीरियंस्ड हूँ, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई जरूर करें, लेकिन जो तरीका है अप्लाई करने का इन स्कूल्स में, जिनकी एप्लीकेशन जल्दी एक्सेप्ट हो सकती हैं, वो तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इनका एक फॉर्म होता है, वो आप लोगों ने फिल करना है, अपना रिज्यूम जो आप भेजते हो वो तो चलो ये आप इनको भेज सकते हो, लेकिन इनका जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो सबसे पहले अब जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूँ, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल धर्मशाला, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इन्हें चाहिए पीजीटीज एंड पीजीटीज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विद बीएड विद पोस्ट ग्रेजुएट एंड हायर क्वालिफिकेशन। उसके अलावा इनको पीआरटीज की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब पीजीटी और टीजीटी तो इनको चाहिए ही, इसके अलावा पीआरटीज भी चाहिए, उनकी बीएड हो चाहे डीएड हो, डिप्लोमा भी अगर आपने एजुकेशन में किया है तो चल जाएगा, बीएड की है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी एंड केजी फीमेल कैंडिडेट चाहिए, एंड दे शुड बी ग्रेजुएट मॉन्टेसरी ट्रेंड और एंटिटी बीएड और डीएड। तो देखिए, यहाँ पे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग टीचर्स के लिए और केजी टीचर्स के लिए फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी एंटिटी बीएड या डीएड होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, असिस्टेंट टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, ग्रेजुएट्स ट्रेनी टू असिस्ट क्लास टीचर इन नर्सरी एंड केजी,
तो वहाँ पे एक तरह से असिस्ट करना होता है, आपने हेल्प करनी होती है क्लास टीचर की। उसके अलावा यहाँ पे आईटी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। आईटी टीचर्स के लिए आपकी या तो एमसीए होनी चाहिए या फिर पीजीडीसीए होनी चाहिए। इसके अलावा काउंसलर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपकी एमए साइकोलॉजी होनी चाहिए या फिर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए जिनकी क्वालिफिकेशन बीएड एम या फिर एमएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। इसके अलावा देन आर्ट एंड क्राफ्ट इज रिक्वायर्ड, फॉर दैट यू शुड बी एमएफए और बीएफए। ओके, एंड आफ्टर दैट मतलब एमएफए मास्टर इन फाइन आर्ट्स एंड बीएफए हो गया बैचलर इन फाइन आर्ट्स। देन म्यूजिक एंड डांस टीचर चाहिए इनको, जिसके लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंडियन और वेस्टर्न किसी में भी। इसके अलावा इनको ड्रामेटिक्स एनएसडी ट्रेन टीचर्स चाहिए। स्पोर्ट्स कोचिज आर रिक्वायर्ड, दे शुड बी बीपीएड और एमपीएड और एनआईएस। एंड बिसाइड्स दिस दे देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ जर्मन टीचर, देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ नर्स ऑल्सो, शी शुड बी जीएनएम। देन देर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, देन पीए टू प्रिंसिपल। तो पीए टू प्रिंसिपल शुड बी ग्रेजुएट विद रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हो, सबसे पहले ये तो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इनका फॉर्म भरना है। ये है जॉब अपॉर्चुनिटी, इसका लिंक मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने पीजीटी क्लिक कर दिया, यहाँ सब्जेक्ट पूछा है, मैंने लिख दिया अपना, मेरा मैथमेटिक्स है, मैंने मैथमेटिक्स कर दिया। यहाँ आपने अपना नाम भर देना है, सुनील, सुनील मैंने यहाँ पे लिख दिया, कौशल, मेरा नाम कौशल है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे फिल कर दिया। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया। मेरा ईमेल एड्रेस ये है, मैंने ये भी फिल कर दिया। उसके बाद मुझे अपना रिज्यूम अपलोड करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो रिज्यूम यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली सबमिट करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अगर आप इसके अलावा कोई और जानकारी इनसे चाहते हैं, अभी इन्होंने लिखा है देयर वाज ए प्रॉब्लम विद योर सबमिशन, एरर हैव बीन हाईलाइटेड बिलो। एरर ये है कि मैंने अभी तक रिज्यूम यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, रिज्यूम अपलोड करूंगा उसके बाद ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसके अलावा अगर अगर आप लोगों को पूरी क्वेरी करनी है, कोई फ़ोन पे बात करनी है, लेकिन फ़ोन पे बात करने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है, आप अगर इंटरेस्टेड हो डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ से ही आप अप्लाई कीजिए। आफ्टर दिस अब इनका जो ईमेल एड्रेस है, दैट इज gdgoenkadharamshala@gmail.com। अदरवाइज देर इज अनदर जीमेल एड्रेस, दैट इज principal@gdgoenkadharamshala.com। यू कैन वॉक इन एंड ड्रॉप योर सीवी ऑल्सो इन द स्कूल प्रेमिसेस। अदरवाइज प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस्ड हाईली मोटिवेटेड क्रिएटिव कैंडिडेट्स हैविंग गुड कमांड ओवर इंग्लिश। एप्लीकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट मस्ट हैव मिनिमम क्वालिफिकेशंस एज पर सीबीएसई रिक्वायरमेंट्स, वेरी अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स टू रियली डिजर्विंग कैंडिडेट्स। आई कैन टेल यू इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीजीटी पोस्ट, अप्रोक्सीमेटली 30,000 to 40,000 सैलरी यू विल गेट ओवर देयर, बिकॉज दिस इज द ब्रांच ऑफ जी डी गोयनका विच इज अ वर्ल्ड क्लास ग्रुप एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो वर्ल्ड क्लास एनवायरमेंट ऑफ वर्किंग ओवर देयर इज। तो फ्रेंड्स, ये पहली वैकेंसीज मैंने आप लोगों को अभी बताई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे स्कूल्स की वैकेंसीज के बारे में। अब मेरे पास जो दूसरा स्कूल है, जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल है। दिस इज कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल ऑल्सो। फ्रेंड्स, ये आईबी स्कूल भी है, इनके पास आईबी की अफिलिएशन भी है। तो आईबी एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है कैम्ब्रिज का, इंटरनेशनल लेवल का, तो ऐसी जगह पे काम करने का मजा ही बिल्कुल अलग होता है। तो सभी जो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ है, ऐसे स्कूल्स में काम करने का आपको मजा ही बिल्कुल अलग आएगा। तो यहाँ पे जो अभी वैकेंसीज निकली हैं करियर्स में, मैं यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ, वर्किंग एट द रेट ऑफ जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल एज अ लीडिंग प्राइवेट डे कम फुल टाइम बोर्डिंग स्कूल फॉर चिल्ड्रन। ये स्कूल है फ्रॉम प्री के टू 12। वी एट GDWWS आर अ कम्युनिटी डीपली रूटेड इन डाइवर्सिटी, कमिटेड टू इंस्पायर लर्निंग एंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आर स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ।
So aided by a world-class infrastructure, our committed faculty who are immersed in the educational life of the students are eager to grow and continuously upgrading their skill, dwell as educationists and enjoy a fulfilling teaching experience at GDGWS. तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड क्लास इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो लिखा भी है इन्होंने, एक्सेप्ट भी किया हुआ है. वी एक्सेप्ट द एप्लीकेशंस फ्रॉम टीचर्स क्वालिफाइड टू टीच द आईबी एंड आईजीसीएसई करिकुलम. तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहूंगा, अगर आप मान लीजिए सिंपल एनटीटी या बीएड हैं, एनटीटी और ग्रेजुएट हैं, या आप ग्रेजुएट प्लस बीएड हैं, आप लोगों ने ये नहीं सोचना ये बहुत बड़ा बोर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोगों के पास कैलिबर है, आप लोग पढ़ा सकते हो, आप निडर होकर के इन स्कूलों में अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे सैलरी और अदर फैसिलिटीज बहुत शानदार हैं आप लोगों के लिए. तो आईबी और आईजीसीएसई जो है ये इंटरनेशनल लेवल आ जाते हैं, और ऐसे स्कूलों में फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को काम करने का मजा ही लगाएगा. तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या मास्टर डिग्री है, और इक्वली इम्पॉर्टेंट इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग इन एन एजुकेशनली वाइब्रेंट एंड कल्चरली डाइवर्स डे कम बोर्डिंग को एजुकेशनल इंटरनेशनल स्कूल. मतलब ये डे कम बोर्डिंग स्कूल है, तो यहाँ पे आपको रहना, अगर आप रह सकते हो रेजिडेंशियल स्कूल में, काम कर सकते हो, तो आप लोगों को ये प्रेफर करेंगे. इन एडिशन टू द मीनिंगफुल एंगेजमेंट विद चिल्ड्रन एंड रिवार्डिंग वर्क, दिस प्रोवाइड्स अ जेनरस कॉम्पेंसेशन विद बेनिफिट्स. ये लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आप लोगों को बहुत शानदार कंपनसेशन, मतलब सैलरी मिलेगी, प्लस अदर बेनिफिट्स मिलेंगे. प्लीज ब्राउज आवर वेबसाइट टू लर्न मोर अबाउट अस. वी वेलकम योर इंटरेस्ट इन अ करियर एट जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल. तो देखिए यहाँ इनकी जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो हैं, अभी आपने ऐसा नहीं देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को. आई बी ट्रेंड मैथ टीचर चाहिए इनको, पहला. आई बी ट्रेंड फ्रेंच टीचर चाहिए. सीनियर लाइब्रेरियन चाहिए. मेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए. अब आपके दिमाग में आएगा आईबी ट्रेंड तो मैं हूं ही नहीं. बिल्कुल हो, आपने बीएड करी है ना, और ग्रेजुएट हो, आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हो और साथ में आपने बीएड डीएड एनटीटी कर रखी है, तो आप एलिजिबल हो. मेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए तो यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. अब आता है कि हाउ टू अप्लाई. अब मैंने जैसे आपको शुरू में बोल दिया था अप्लाई कैसे करना है. यू मे अप्लाई टू जीडी गोयनका डब्ल्यूएस बाय यूजिंग आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन. ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस पे मैं क्लिक कर दिया अभी. इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वही फिल करनी है आप लोगों ने, इसी को ही भेजना है. यही वहां पे जाकर के वो जब उनके पास पहुंच जाती है एप्लीकेशन, यही लोगों को कई बार पता नहीं चल पाता, क्योंकि अलग अलग स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है. अब इन्होंने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसको फिल करो आप. ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं. कोई भी आप कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको क्लिक कर लो. उसके बाद सपोज करो मैं यहाँ पे अपने लिए मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, मैंने मैथमेटिक्स कर दिया. सेगमेंट, सेगमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लो कि आप कौन से सेगमेंट को पढ़ाना चाहते हो. मान लो आप आई बी को नहीं पढ़ाना चाहते हो, आप 9th-10th को पढ़ाना चाहते हो, या आप 6th-8th तक पढ़ाना चाहते हो. तो मैंने आईजीसीएससी पर मैंने क्लिक कर दिया 9th-10th के लिए. एक्सपीरियंस कितना है मैंने यहाँ लिख दिया, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है जी. उसके बाद करिकुलम आपने क्या पढ़ाया हुआ है, आपने सीबीएसई पढ़ाया है, आईसीएसई पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है. फर्स्ट नेम आपका क्या नाम है, मिडिल नेम आपका क्या नाम है, लास्ट नेम आपका क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या नाम क्या है, वो यहाँ पे भर दीजिए. उसके बाद आपने यहाँ पे जो रिज्यूम आप ऐसे भेज देते हो ना क्लिक करके जीमेल के थ्रू, वो यहाँ पे अपलोड करना है आपने. यहाँ नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी, फादर हस्बैंड के नाम आ जाएगा, और उसके बाद मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड हो तो वो लिख दीजिए. अगर फिर आप बता दीजिए फादर या हस्बैंड क्या काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर दो, तो यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा. नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर बच्चे आपके हैं तो यहाँ पे बता दीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो स्टडी कर रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके. अभी मान लो दो बच्चे हैं, एक बहुत छोटा है, दूसरा पढ़ाई कर रहा है स्कूल में, तो एक लिख दीजिए जो स्टडी कर रहे हैं. उनकी एज मेल है या फीमेल है तो ये यहाँ पे आ जाएगा. ग्रेड कौन सा है, जो भी क्लास उनकी बच्चों की आपकी है. फिर आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे कर दीजिए. ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है वो यहाँ पे नोट कर दीजिए. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस का जहाँ आप अभी रह रहे हो परमानेंट हो जाता है, जहाँ जो आपका आधार कार्ड पर लिखा हुआ है. आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कंप्लीट इसको फिल करना है आपने.
स्कॉलरशिप या कोई भी ऑनर्स अवार्ड आपको मिले यहाँ फिल करना है आपने, कोई स्किप नहीं करनी है चीज जो आपको लगता है यार मैंने ये मेरे को ये मिली हुई है चीज मतलब इससे ये मैं फिल करूंगा यहाँ पे, तो उसको फिल करना है, अदरवाइज देर इज नो नीड, ठीक है, उसको आप छोड़ भी सकते हो। प्लास डॉट कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ाया कौन से ग्रेड को, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट जो नॉन टीचिंग के हैं उनके लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने लास्ट में यहाँ पे अपने रिज्यूम अपलोड करना है, ये नॉन टीचिंग वालों के लिए एक्चुअल में, और यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट हो गया आपका रिज्यूम इनको चला गया, जैसे अब आपका रिज्यूम इनको चला गया है, ठीक है। इसके अलावा अब आप लोग इनसे कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो क्वेरी करने के लिए इन्होंने आपको ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इस पर पूरी क्वेरी कर सकते हैं कि मैंने फॉर्म भेजा था जी, आप इस पे भी अपना रिज्यूम भेज दो, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई बातचीत करना चाहते हो इस पे मेल कर दो कि मेरा जी अभी सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपका वहां से रिप्लाई आ जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ही डील करते हैं इन सारी बातों में, जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल, जीडी गोयनका एजुकेशन सिटी सोहना, ये गुड़गांव रोड पे हरियाणा में है स्कूल, और ये यहाँ पे आपको पूरी की पूरी फैसिलिटीज मिलेंगी फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे स्कूल के बारे में। तीसरा स्कूल है मेरे पास जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़, ये भी हरियाणा में ही है, और इस स्कूल में भी लेटेस्ट वैकेंसीज मेरे पास अभी आई हुई हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ रिक्वायर एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स फ्रॉम कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स। मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आप फ्रेशर्स भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। पहले यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की रिक्वायरमेंट है, टीजीटी की भी और पीजीटी की भी, फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पीआरटी टीचर चाहिए मैथ साइंस इंग्लिश एंड ईवीएस, और मदर टीचर चाहिए फॉर क्लास वन के लिए और टू के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर भी चाहिए फॉर प्री प्राइमरी टू प्रेप। अब देखो इन्होंने यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट लिखा है कि आप यहाँ पे मेल कर दो, तो यहाँ आप इसको इनको मेल कर दो अपना रिज्यूम, और कोई भी आप क्वेरी करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप इनसे बात कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सारी की सारी आप लोगों को जानकारियां यहां से मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ज्यादा से ज्यादा, और जॉब्स अगर आप लोगों को चाहिए, और अगर आप लोग मैं चाहूंगा कि आप और लोगों को भी बताएं ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। तो वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार सत श्री अकाल जय हिंद।